हाय, मैं सेल्फ एम रत्नभूषण। वेलकम टू द प्रोग्राम द ग्रेट भारत एंड द ग्रेट पीपल। गुड इवनिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू एंड फॉर द पीपल ऑफ आर नेशन। इट विल कवर योर पर डे एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड सजेशन फॉर यू सो दैट वी कैन मेक दिस कंट्री मोर ग्लोरियस इन द होल वर्ल्ड। हीना सिंधु वन द ब्रॉन्ज इन वेमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फॉर सरिंग। द फोटोग्राफ व्हाट आई एम शोइंग यू, दैट इज हीना सिंधु। शी इज एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टूडेज आर बुनियादी सोच जरूरी। नोबल विजेता वैज्ञानिकों ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिक शोध को लेकर जो नसीहत दी है उस पर गौर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चल रहे विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे वैज्ञानिकों को देश में किफ़ायती चिकित्सा, आवास, स्वच्छ हवा, पानी व ऊर्जा उपलब्ध कराने और कृषि की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान तो सार्वभौमिक है लेकिन तकनीक को स्थानीय होना चाहिए ताकि वह स्थानीय आवश्यकताओं की पूरी करने में सक्षम हो। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित दो नोबल विजेता वैज्ञानिकों की राय इससे अलग थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के बजाय बुनियादी शोध पर जरूरी जोर दिया जाना चाहिए। 2013 में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले जर्मन अमेरिकन बायोकेमिस्ट प्रोफेसर थॉमस सुडोफ ने कहा कि सीधे तकनीक विकसित करने का लोभ स्वाभाविक है पर इसके लिए बुनियादी शोध आवश्यक है। आर्थिक विकास की धुरी बने कृषि। सियासी गलियारे में इन दिनों किसान हितों से जुड़े मुद्दों की धूम है। चर्चा है कि आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के कायाकल्प की तैयारी में जुट गई है। इससे प्रतीत होता है कि आगामी चुनाव किसानों के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। यह किसान और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के चुनाव नतीजों के बाद कृषि दुर्दशा पर बहस तेज होने की स्पष्ट हुआ कि किसान आज भी सबसे बड़े वोट बैंक है और उनकी अनदेखी किसी भी दल पर भारी पड़ सकती है। दुनिया चुनावी चाल यही सही। अभी आनंद फानंद में कांग्रेस द्वारा 3 राज्यों में कर्ज माफी की अविलंब घोषणा सुर्खियों में रही। इन घोषणाओं के बीच अहम सवाल है कि क्या कर्ज माफी से ही किसानों का संकट दूर हो जाएगा? क्या अगली बार वे किसान कर्ज नहीं लेंगे? क्या इस पहल मात्र से खेती बाड़ी फायदे का सौदा बन जाएगी? दरअसल कृषि संकट 2-4 वर्षों की देर नहीं है, यह दशकों पुरानी खराब नीतियों का नतीजा है। 50 के दशक में राष्ट्रीय GDP में कृषि क्षेत्र की जहां 50% हिस्सेदारी की थी वह सिकुड़ के 14% तक पहुंच गई है। वैश्वीकरण और उदारवाद के सहारे बाजार को जहां खूब बल मिला वहीं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था निरंतर बदहाली का शिकार होती जा रही है। बाजारवाद के उभार से आर्थिक संपन्नता तो दिखी लेकिन समृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। इससे ग्रामीण भारतीय और इंडिया के बीच एक बड़ी लकीर खींचने में काम किया। प्रतिबंधों से विश्व को धमका रहा अमेरिका। बीते वर्ष अर्जेंटीना में हुई G20 शिखर वार्ता के दौरान चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग में फैसला किया कि एक दूसरे के खिलाफ जो कर लगाने की घोषणा वे पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे उन पर मार्च 2019 तक रोक लगा दी जाए। ट्रंप का कहना है अमेरिका और चीन के बीच व्यापार घाटे जो कि $375 अरब को कम करने के लिए चीन को अमेरिका से अधिक वस्तुएं आयात करनी चाहिए। इसके साथ अमेरिका ने चीन की बड़ी हाईटेक कंपनियों पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया है कि उन्होंने ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़े नहीं हैं। यह जानते हुए कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के पर आर्थिक रूप से निर्भर है, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर आर्थिक युद्ध थोपने का मन बना लिया है। इंडियाज़ अटलांटिक चैलेंज, ट्रंप्स अमेरिकाज़ फर्स्ट पॉलिसी इन द ब्रेक्सिट डील कुड पोज मोर चैलेंजेस दिस ईयर। व्हाइल 2019 इज अ ईयर ऑफ होप एंड परहैप्स फॉरएवर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रीसेट इन सम एरियाज़ ऑफ पॉलिसी फॉर इंडिया, अ लिंगरिंग कंसर्न इज दैट द चॉपी वाटर्स ऑफ द अटलांटिक ओशन में थ्रो अप मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट माइट रॉक इंडियाज़ बोट ऑफ स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज बिकॉज First, U.S. President Donald Trump's America First policy could lead to more tariff and subsidy hiccups, culminating in a protected trade battles in the context of the protectionism. And second, if the U.K. has hard Brexit, India may be looking at unexpected complications regarding trade adjustment, and U.K.-India free trade agreement may be out of the question. Removing fear. The private members bill amend
at protecting literary freedom from threats is welcome. Literary freedom is taken for granted in democracies, but forces that threaten or undermine it are always at work. Each age has to fight the battle of press. In recent times, several attempts to get books withdrawn, pulped, or sanitized of offending content have achieved full of partial access in India. Wendy Dongar's The Hindus, the alternative history, was withdrawn from the circulations, and E.K. Ramanujan S.J. 300 Romance were dropped from the Delhi University syllabus. Tamil writer Perunal Murugan's Madhurubagan was withdrawn by an author under more pressure that resulted by a Madras High Court verdict. I read quite fastly, so if you are hearing carefully, definitely it will be useful. Fixing Modern Capitalism, a celebrated economic seeks a return to ethics and morality. Over the last few years, the rise of Donald Trump in the United States, the vote in Britain, leave the European Union, and the coming to power of authoritarian far-right figures in Eastern Europe and most recent Brazil have given rise to much soul-searching on the course capitalism has taken in democratic setup. A large number of progressive liberal economists, journalists, and commentators have asked whether democracy survived global capitalism with its winner takes all society and populist temptations. In many countries, including India, grave concern have been expressed over the rise of economic inequity with a relentless patterning of creamy layer at society's very top and no commensurate trickle down to the vast majority we know. Tribals of West Bengal battling food scarcity. 2 months after the West Bengal government denied any food security as possible because of the death of the 7 person from a tribal community, a survey report said that identified food scarcity in varying degrees in about 31% of the tribal household in West Bengal. 31% of tribal household in West Bengal. 31% of tribal household in West Bengal. So thank you very much to my program. Wish you all the best and good luck.